हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज अपन इतना कैपेबल तो है कि मैं मतलब हाथ से ऐसे मतलब गोरिल्ला ट्राइपॉड से व्लॉग शूट कर सकता हूँ। बिकॉज जैसे ही गोरिल्ला ट्राइपॉड लगाता हूँ ना तो थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो हाथ से कल वज़न नहीं उठाया जा रहा था, तो मैं बिना इसके ही कर रहा था, हाथ से ही कर रहा था, जो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था मेरा व्लॉग। तो आज मस्त अपन जल्दी उठ गया भाई। देखो आज एक क्लास को छुट्टी थी तो मैं आराम से उठाऊँ, और बाकी के सारे बुक्स निकाल दिए मैंने एक बैच की, सिर्फ एक ही क्लास है अपनी, तो वो करेंगे। फिर शायद कॉलेज के लेक्चर्स है आज, तो वो चेक कर लेंगे अपन को, मतलब 10 बजे तक मैसेजेस आ जाएंगे कि लेक्चर है या नहीं, फिर वो देख के अपन जाएंगे मस्त। और मेरे बाल तो उनको तो छोड़ ही दो भाई, वो तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लग रहे, मतलब अच्छे तो होते अगर उसको अच्छे से सेट किया जाए। कि कल मैंने आधा घंटा दिया था उनको, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहे थे। शाम में तो आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके चेक कर लो भाई, बढ़िया दिख रहे थे। तो अभी मस्त रेडी होते हैं और निकलते हैं क्लास के लिए। नाउ आई एम रेडी, बाल तो छोड़ो, अभी अपन निकलेंगे मस्त। एक दो मस्त निकल गए, बाकी सब तो हो गया, बस चश्मा पहनना है और निकल। क्लास हो गई, क्लास से मैं कॉलेज आ गया था, और कॉलेज का दीदी आई है लेने के लिए। यहाँ से अभी हमको जाना है मस्त घर, घर जाके आज पढ़ाई करेंगे, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे, सोएंगे, सब कुछ करेंगे घर पे जाके। फिलहाल तो गाइस फाइनली अभी फिलहाल मस्त घर पे पहुँच गया, मैं रिपीट भी बोल रहा हूँ लेकिन ठीक है। चलो तो अभी मस्त अंदर चलते, खाना वाना खाते, आराम करेंगे आज, और पढ़ाई करनी बहुत सारी तो वो भी देखना। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल मस्त हो रही है शाम, और भाई मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली दिखती है। एनीवेज मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, स्टडी वगैरह में काम कर रहा था, जल्दी मतलब एक नए टॉपिक पे एक वीडियो आने वाली है, व्लॉग नहीं होगा वो। देखो भाई मेरा नॉर्मल चैनल नहीं है ये, मैं आज डिक्लेयर कर देता हूँ, बिकॉज मैं व्लॉगिंग के चैनल में प्रैंक्स करने लगता हूँ, कुछ अलग अलग चैलेंजेस करने लगता हूँ। ये मतलब सिर्फ व्लॉगिंग चैनल नहीं है, मैंने जलगांव व्लॉगर नाम तो डाला हुआ है, लेकिन सभी हर चीज़ें करता हूँ मैं, फूड व्लॉगिंग कर ली मैंने, ट्रैवलिंग कर ली, तो चलो व्लॉगर्स तो कर ले, फूड व्लॉगिंग ट्रैवलिंग तो करते हैं, लेकिन चैलेंजेस वीडियो प्रैंक वीडियो ऐसा कोई नहीं करता, मुझे छोड़ के। तो अभी मुझे रेडी होना है, रेडी होने के बाद मुझे हर्षाली को लेने जाना है यार। तो गाइस अभी मस्त मैं रेडी हो गया हूँ भाई, बाल तो अच्छे लग रहे भाई, ऐसा भी ठीक है, और वॉच देख लो कैसी है, मेरी नहीं फ्रेंड की है, उससे लेके आओ, बिकॉज वो मेरा कड़ा ले गया, मैं उससे वॉच लेके आया, मेरी वाली तो उसका बेल्ट ख़राब हो गया है जो कि अपन रिपेयर करवाएंगे। हाँ तो देखो लास्ट आपने व्लॉग में देखा होगा कि मैंने प्लांट्स दिखाए थे आपको, तो काफ़ी ज़्यादा कम थे, और अभी देखो इनकी क्वांटिटी कितने ज़्यादा लगा दी है मैंने, बहुत सारे हो गए अभी। और यहाँ पे भी ये देखो, ये कुछ लाया मैं कल शाम को गया, मतलब मैं नहीं गया था, मेरे पापा जी और हर्षाली गई थी, तो वो लेके आए बाकी। तो अभी अपन को जाना है हर्षाली को लेने के लिए, मतलब हर्षाली को लेने और दीदी को क्लास छोड़ने के लिए, तो अपन मस्त अभी निकलेंगे। और हाँ मैं बड़ी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो मोटो ब्लॉक तो होगा ही, अच्छा लगता है मोटो ब्लॉक करना भी। तो बाइक मस्त अपनी बाहर खड़ी, चकाचक धोई नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी दिख रही है। तो अभी दीदी के जल्दी से बुलाते हैं, रेडी होते हैं और निकल, रेडी क्या होना भाई, ऑलरेडी रेडी हूँ, निकलते थोड़ी देर में। तो गाइस अभी का कुछ अलग ही सीन है भाई, हमको दोनों गाड़ियाँ लेके जानी, मैं तो बड़ी ले जाऊंगा, दीदी से बड़ी तो चलेगी नहीं, तो छोटी भी निकालनी पड़ेगी, तो छोटी निकालते हैं बस, मैं तो रेडी हूँ अपना सब कुछ लेके, पहले स्कूटी निकालते फिर दीदी आएगी फिर अपन निकलेंगे। तो गाइस अपना ट्राईपॉड भी सेट हो गया है, अभी इसके हिलने के मतलब है हिलने के चांसेस तो, लेकिन गिरने के तो है नहीं, दीदी भी आ गई है, अपन मस्त निकलते हैं और यहीं से टाइम लग स्टार्ट करते, बिकॉज अगर बीच में से किया तो ज़्यादा देर लगेगा नहीं, वैसे भी ज़्यादा दूर तो जाना है भी नहीं। चलो दीदी निकलो, मैं भी आ ही रहा हूँ अभी फ़िलहाल, हम एक मिनट। तो गाइस अभी फ़िलहाल हमें मार्केट में, और हाँ मैंने मोटो व्लॉग नहीं करा बिकॉज एक दिक्कत हो गई थी, मैंने बीच में लगाया लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ढीला बैठ रहा है, मैंने तभी तो मैंने लगा कि टाइट है, लेकिन वो बाद में ढीला हो गया थोड़ा सा, तो फिर मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। दीदी अभी आ रुकी है मार्केट में, आए हम टमाटर लेने के लिए, अभी दीदी जल्दी से टमाटर लेंगी,
मुझे देंगी, फिर क्लास को जाएंगे, मैं आ जाऊँगा हर्षाली को लेने। भाई ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा डांटने वाली आज मुझे। तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं मस्त हर्षाली को लेके घर पे आऊँ। भाई मैं लेट हो गया था तो स्कूल छूट गई थी, तो मैंने कहा भाई ब्लॉग घर पे ही जाके कर लेंगे बिकॉज मैं लेट हो रहा था, उसको भी डांस क्लास जाना था, तो हम जल्दी आ गए। मस्त अभी टीवी देखूंगा थोड़ी देर और फिर अपन जाएंगे मस्त वॉकिंग के लिए, बिकॉज बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए नहीं गए, आज बहुत दिनों के बाद जाएंगे। भाई मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा मैगी टाइप हो रहे हैं, इग्नोर करो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अभी। भाई यार क्या हो रहा है, मैं बार बार स्क्रीन मिल रहा है फिर भी मतलब जो बैकलाइट है वो चेंज ही नहीं हो रही। गाइस अभी फ़िलहाल मुझे इनको डांस क्लास छोड़ने के लिए जाना है, इनका शूट है आज भाई। और देखो दोनों गाड़ियाँ घर पे नहीं है, एक गाड़ी तो दीदी लेके गई थी आपके सामने और एक गाड़ी अभी मम्मी जी और पापा जी लेके गए क्लिनिक पे, बिकॉज मम्मी जी को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम। मेरे लिए आज अलग अपॉर्चुनिटी होगी बिकॉज शाइन बाइक मैंने काफ़ी बार चलाई है लेकिन इनकी थोड़ी सी अलग है, अलग मतलब होती है भाई, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसमें भी कुछ ना कुछ तो होगी। ले तो जाऊंगा बस कुछ ज़्यादा कुछ आइटम ना हो उस गाड़ी में, प्रॉब्लम हो जाएगी बीच रास्ते में। भाई पहले ही ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी घर पे बिकॉज अगर शूट नहीं होता तो दो हफ्ते तक जो प्रैक्टिस की उसका कोई फ़ायदा नहीं होता इसके लिए। ये वाली है वो शाइन जिसको अब मुझे ले जानी है, दिक्कत तो कुछ लग नहीं रही, अच्छी है। See, when I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? को छोड़ दिया है, ये देखो ये मस्त, अभी जाएंगे अंदर, अपन चलते हैं घर पे। भाई मस्त मजा आ रहा है ड्राइव करने में, तो गाड़ी वैसे अच्छी है, काफी ज्यादा चल रही है मस्त, जस्ट सिंगल क्लिक में ये लो स्टार्ट भी हो गया, अब कर देते हैं अपन, चलते हैं आराम से भाई। चलो उनको छोड़ के मैं भी अब घर के पास आ गया हूँ, मैं पहले घर पे जाता हूँ और थोड़े से बाल सेट करता हूँ अच्छे, मतलब ठीक से करता हूँ उनको, और फिर अपन चलते हैं घूमने। पहली बात तो ये कि घर पे कोई नहीं है दीदी के लिए, दीदी का फ़ोन भी नहीं दीदी के पास, तो हो सकता है तो मुझे मेरा फ़ोन देना पड़ेगा, तो देखूँगा मैं मतलब ब्लॉगिंग के लिए जाऊँगा तो उस जगह कुछ शॉट ले पाऊँगा या नहीं, वहाँ पर ब्लॉग कर पाऊँगा या नहीं, देखूँगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।